गुड मॉर्निंग बच्चों, आर से एजुकेशन आपके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है संधि। ये संधि किसे कहते हैं? संधि की परिभाषा देखो, दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं कि दो वर्णों के परस्पर जब मेल होता है, मिलते हैं और उनमें जो परिवर्तन होते हैं या विकार उत्पन्न होता है या जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जो व्याकरणाचार्य हैं हमारे, कौन है व्याकरण के लेखक, जो व्याकरण ने जिनकी रचना की है वो कौन है? पाणिनि। जो व्याकरणाचार्य जो पाणिनि है उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि जिन वर्णों में अत्यंत निकटता होती है, यानी कि जो वर्ण अत्यंत पास होते हैं, निकट होते हैं, होती है वहाँ संधि होती है या वहाँ पर संधि होती है। आचार्य पाणिनि ने संधि को क्या कहा? संहिता भी कहा है। दूसरा, संधि के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले का पद पूर्व पद कहलाता है और बाद का पद क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। संधि शब्द पुल्लिंग होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसको बोल रहे हैं संधि, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो संधि शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन ये गलत है कि जो संधि शब्द होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। दूसरी बात है, संधि में विच्छेद होता है। और संधि में विच्छेद कैसे? संधि यानी कि विच्छेद क्या कहते हैं? कि हम नियमों के अनुसार दो शब्दों को आपस में मिलाकर या जो हम संधि बनाते हैं उसको मूल रूप में लाने को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। यानी हम उनको अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। यानी कि जो हमने संधि यानी कि नियम के अनुसार हमने जो शब्दों को बनाया है वो क्या हो गई? संधि हो गई। दो शब्दों को मिला दिया, अगर हम उनको अलग करें, उनकी मूल रूप में उनको लेकर आए तो वो क्या कहलाते हैं? विच्छेद कहलाते हैं या अलग कहलाते हैं। अब देखते हैं संधि के भेद की, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि हमने पढ़ ली है कि वे संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखो संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार देखो, संधि के प्रकार संधि के प्रकार संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? संधि तीन प्रकार की होती है। यह संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब आपको देखना है। स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हो गए? संधि के तीन भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इस स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि भी कहते हैं। अच स्वर को क्या बोलते हैं? अच। और विसर्ग व्यंजन को हल, ठीक। और विसर्ग तो आप जानते हो, विसर्ग ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है? विसर्ग का चिन्ह होता है। स्वर संधि, अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं पांच भेद। दीर्घ संधि, कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, और पांच भेद कौन सा है? आयादि संधि। तो संधि के कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए।
संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर व्युत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो स्वर संधि होते हैं इसके भी कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो संधि शब्द होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो संधि शब्द होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता। तो अब देखो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि किसका रूप है? स्वर संधि का रूप है। तो हम इससे आगे लगा देंगे स्वर संधि की, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। पहली होगी दीर्घ स्वर संधि, आपको एक बात, दीर्घ, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहां पर आ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ठीक है, और ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा अगर दिखे तो वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि होती है। इसमें इसकी परिभाषा लिखिए कि इसमें दो समान स्वर, इसमें दो समान स्वर नहीं, पहले तो स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि तो बाद में आएगी, संधि का मेन तो है संधि, यानी कि तीन प्रकार होते हैं। कौन से? पहले स्वर संधि, पहली संधि कौन सी है? भी स्वर संधि है। कौन सी है? स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर का स्वर से मेल होता है। स्वर संधि में किसका किससे मेल होता है? स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। स्वर का स्वर से मेल होता है। अथवा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर का स्वर से मेल होता है या दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखो, जैसे सूर्य प्लस अस्त। और इसमें देखो सूर्य, सूर्य ए की ए मिल रहा है, तो यहां पर कौन सा स्वर है? ए है। और यहां पर भी कौन सा स्वर है? ए है, ठीक है। और ये के बन क्या बन गया? सूर्यास्त। सूर्य प्लस अस्त क्या बन गया? सूर्यास्त। तो या आ की मात्र लगी तो ए प्लस ए मिलकर क्या हो गया? आ बन गया, ठीक है। और वैसे अगर हम इसका भेद देखें तो ए प्लस ए मिलकर क्या हो गया? आ बढ़ गया। तो ये कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि भी हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? सूर्य प्लस अस्त क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया। और जैसे स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ, तो ये भी क्या हो गया? स्वार्थ। इसमें भी ए प्लस एम मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? स्वार्थ हो गया। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो इसमें यानी कि पहले भी स्वर, यानी कि पूर्व पद में भी स्वर, मैंने कहा था कि इसमें कितने होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं। तो
पूर्व पद तो ये कहलाता है और उत्तर पद ये कहलाता है। अगर पूर्व पद और उत्तर पद में अगर दोनों में स्वर है, अगर दोनों में स्वर है तो ये क्या बन जाएगी, स्वर संधि बन जाएगी। अगर इसमें अलग है, यहाँ पर अगर स्वर है, यहाँ पर अगर स्वर है, यहाँ पर व्यंजन है या यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर स्वर या व्यंजन कोई सा भी हो तो उसमें ये क्या व्यंजन संधि हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्वर संधि, तो स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है, वहां पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।